एक इंसान जिंदगी भर सुकून की तलाश में रहता है। सुकून के कई मायने हैं। कुछ लोगों के लिए सुकून का मतलब है पैसा, मकान और भी बहुत कुछ, और किसी के लिए इसके मायने कुछ और हैं। बट फॉर मी सुकून का मतलब है पहाड़। इसका एहसास मुझे 2020 में हुआ, जब कोरोना की वजह से शहर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। खैर, देहरादून से मुंशारी तक का ये लंबा सफ़र इन पहाड़ों के बीच देखते ही देखते कट गया। अक्सर हमें किसी चीज़ की अहमियत तब पता चलती है जब वो हमारे पास ना हो। अब चाहे वो इंसान हो या कोई सामान, या फिर चाहे वो ये पहाड़ ही क्यों ना हो। इन पहाड़ों की अहमियत आपको इन पहाड़ों से दूर जाने पर ही होती है। नमस्ते जी, स्वागत है आप सभी का इस नए ट्रैवल शो में जिसका नाम है माउंटेन मिस्ट्रीज। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सीरीज़ किस बारे में है। माउंटेन मिस्ट्रीज यानी कि इन पहाड़ों में कई बातें ऐसी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, और ख़ासकर वो लोग जो बचपन से ही शहरों में रहे हैं। तो इस ट्रैवल शो माउंटेन मिस्ट्रीज में हम जानेंगे इस पहाड़ की रियल लाइफ को, क्योंकि दूर से देखने पर पहाड़ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन नज़दीक से देखने पर इन पहाड़ों की लाइफ उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और क्योंकि ये एक ट्रैवल शो और एक ट्रैवल चैनल है, तो इस सीरीज़ में हम काफ़ी सारे नए नए पहाड़ों में भी घूमेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने होम टाउन मुंशियारी से। मुंशियारी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से 150 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत और शांत एक ऐसी पहाड़ी जगह जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है, जहां लोग शहरों से छुट्टी बिताने आया करते हैं। आप इसे उत्तराखंड का एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी कह सकते हैं। मुंशियारी से अराउंड 7-8 किलोमीटर ऊपर हनुमान मंदिर, जिसको पेटुली धार भी कहते हैं, और यहीं से जो है थामरी कुंड का 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। वो अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे टूरिस्ट आने शुरू हो चुके हैं मुंशियारी में, और कुछ लोग यहाँ पे थामरी कुंड में काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हैं यहाँ पे, और बाकी लोग कुछ खलिया टॉप जाने वाले रास्ते पे, और काफ़ी सारे लोग जो है मुंशियारी के भी अलग अलग कोनों में लगभग टूरिस्ट फुली पैक्ड हो चुके हैं। तो सीज़न काफ़ी तगड़ा चल रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और ये है मुंशियारी में कि इन दोनों जौहर क्लब मुंशियारी के द्वारा जो फुटबॉल जो गेम है वो चल रहा है यहाँ पे, और मे बी 15th of June को लास्ट डे होगा, तो वो भी देख रहे हैं हम लोग। जब भी हमें टाइम मिल रहा है तो हफ्ते में 1 या 2 दिन मुंशियारी आके हम लोग उसका भी मज़ा ले रहे हैं। तो गर्मियों के टाइम पे होता है ये जून में, 1 जून से लेके अराउंड 15th of June आज तक। तो फर्स्ट डे है आज सीनियर फुटबॉल मैच का, लेकिन जैसा कि मॉनसून भी लगभग आ ही चुका है तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। आई डोंट नो कैसे मैच होगा। वैसे तो समर सीज़न के लिए मुंशियारी सबसे बेस्ट जगह है, लेकिन एक बार अगर मॉनसून सीज़न आ जाए तो कब बारिश हो जाए कुछ भी अंदाज़ा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। हर साल जून के महीने में ये फुटबॉल मैच होते हैं। मुंशियारी का फुटबॉल मैच काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ मुंशियारी की लोकल टीमें तो होती हैं, साथ में उत्तराखंड के कोने कोने से भी यहाँ टीमें पहुँचती हैं। ये टाइम मुंशियारी लोकल्स के लिए किसी फेस्टिवल के टाइम से कम नहीं होता है। मुंशियारी में हर कोई इस सीज़न का इंतज़ार ज़रूर करता है। देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मुंशियारी का जो मोस्ट विजिटेड ट्रैकिंग पॉइंट है वो है खलिया टॉप। तो हमने डिसाइड किया है कि आज हम खलिया टॉप जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और हमने खलिया का ट्रैक नहीं किया है। तो राजू और मैं जो है आज खलिया टॉप का ट्रैक करेंगे।
खलिया टॉप को लेकर मेरी कई सारी यादें, क्योंकि हमने बहुत बार ट्रैक किया है खलिया का। तो खलिया टॉप के नाम से मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, और वो है एक मेरी फेवरेट बुक है, बहुत दूर कितना दूर होता है। दिस इज द बुक, बहुत दूर कितना दूर होता है, और इसके राइटर है मानव कौल। तो इस पे जो है इन्होंने खलिया टॉप का ज़िक्र किया है, और ये जो है ये मानव कौल जो है ये काफ़ी बेहतरीन एक्टर हैं और काफ़ी उम्दा राइटर हैं ये। तो इनकी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, तो काफ़ी अच्छा लिखते हैं। और ये जो है बहुत दूर कितना दूर होता है, एक ट्रैवल लॉग है, यात्रा वृतांत कहते हैं जिसको, ट्रैवल लॉग। तो इस पे इन्होंने जो है अपने यूरोप में जब ये ट्रैवल कर रहे थे तो उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इस पे जो है इन्होंने खलिया टॉप का जिक्र किया है, तो वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या कहते हैं मुंशहरी के बारे में। जब इन्होंने ये लिखा हुआ है तो ये यूरोप में ट्रैवल कर रहे थे, फ्रांस में एक एनएसी करके एक सिटी है, तो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। तो एनएसी जो है एल्प्स की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अपने एक दोस्त के साथ, ये तो जिनका नाम एलेक्स है, तो उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं। तो एक पहाड़ी पे खड़े हैं जिसके सामने जो है एनएसी शहर दिखाई दे रहा है, और उसकी दूसरी तरफ एल्प्स की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो जब वहाँ पे खड़े तब ये कहते हैं कि अभी जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो उत्तराखंड का मुंशहरी याद आ रहा है, और जब हम देर रात वापस पहाड़ उतर रहे थे तो बारिश की रात याद आई, जिसमें हम चार लोग खलिया टॉप मुंशहरी के भालू वाले जंगल में फंस गए थे। दो छाते और लाइटर वाली दो छोटी टॉर्च के सहारे भीगते हुए ठंड में हम नीचे उतरे। तो ये इस बुक में ये मानव कौल जी मुंशहरी के बारे में कह रहे हैं। तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि मुंशहरी में जो है पहले के टाइम पे कितने ही उम्दा जो टूरिस्ट थे, जो ट्रैक किया करते थे, तो वो लोग पहुंचते थे। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ, लेकिन जो ये राइटर हैं, मुझे ये नहीं पता था कि ये कभी खलिया भी आए हैं, इतनी दूर मुंशहरी में आए हैं। और दूसरी बात ये कि यही बात जो उन्होंने इस बुक में लिखी है, ये चीज़ मैंने उनको सामने से भी कहा। तो बात है ये करीबन एक साल पहले की, जब मैं देहरादून में था, तब मैं जो है फिल्मों में काम किया करता था। फिल्म के बारे में मेरी अलग जर्नी है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे हम। तो हुआ ये कि उस दिन जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और मैं फिल्मों की शूटिंग के दिन चल रहे थे वो, तो मैं सोया हुआ था, क्योंकि रात भर शूट करने के बाद जो है थोड़ा बहुत टाइम मिला था, तो मैं सोया हुआ था और बारिश भी हो रही थी। तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, क्योंकि मैंने उसको पहले से बताया हुआ था कि मैं जो है मानव कौल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी राइटिंग का। उसने बताया कि तो देहरादून में राजपुर रोड जाखन के पास जो है एक कैफ़े है, कैफ़े लाटा, तो वहाँ पे जो है मानव कौल जी आ रहे हैं, और उनकी एक बुक लॉन्च है, तो उसके लिए वो आ रहे हैं। तो मैंने कहा भाई इससे बढ़िया मौका और कुछ मिल नहीं सकता, तो मैं एकदम से तैयार हुआ, और बारिश हो रही थी तो बारिश में ही मैंने बाइक स्टार्ट की और पहुंच गया मैं सीधे कैफ़े लाटा में। और वहाँ पे जितने भी देहरादून के बुक लवर थे वो सारे लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे जो है उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई बुक के बारे में, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। और एट द एंड वहाँ पे एक सेशन हुआ, जहाँ पे जो भी जिनके पास भी मानव कौल की बुक है या जो भी ख़रीदना चाहता है उनकी नई बुक, तो वहाँ पे जाके वो उनसे साइन करा सकते हैं। तो तब जो है मैं ये बुक लेकर गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक्स हैं मेरे पास, लेकिन ये मेरी फेवरेट बुक है ट्रैवल लॉग। तो ये मैं लेकर गया और वहाँ पे जो है उनसे साइन लिया मैंने। ये टू माही और ये साइन लिए, और तब जो है मैंने उनको बताया कि सर मैं उसी जगह से हूँ जहाँ के जंगलों में आप रात को भालू वाले जंगलों में फंस गए थे, तो मैं मुंशहरी का रहने वाला हूँ। तब उन्होंने कहा कि अरे मुंशहरी तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपकी राइटिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये किस्सा था जिस पे उन्होंने कैसे खलिया वाले जंगलों का जिक्र किया था। ये सिर्फ एक किस्सा है, इसके अलावा भी जितने भी लोग आते रहते हैं वो हमेशा लगातार बताते हैं कि खलिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी यहाँ आना चाहते हैं।